हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज चुके हैं 12 और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि आज संडे है तो सभी लोग घर पर हैं। तो बस आराम से उठी थी और आराम से ही सारे काम किए हैं, अभी नहा कर आई हूँ। तो अब मैं करूँगी पूजा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को इंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सब ये माँज कर और अच्छा जल भर कर ले आई हूँ भगवान के लिए। तो बस यहाँ पर थोड़ी सफाई कर दूंगी क्योंकि बहुत दिनों से, एक हफ्ता हो गया जब से सफाई भी नहीं हुई है। और इसके बाद हम करेंगे पूजा। ये आरती की किताब है, इस पर किसी ने प्रसाद रख दिया तो बस गीली हो गई है। साफ कर दूंगी, ये भी धोना है। मैं सोच रही थोड़ी सर्दी कम हो जाए तो फिर ये पर्दे भी धोना है भगवान के। और ये देखिए, इतना लेट हो जाती हूँ कि मंदिर ही नहीं जा पाती हूँ पूजा करने के लिए, लेकिन कल से भोले बाबा के मंदिर तो मुझे जरूर जाना है। सर्दी तो अब पड़ना ही है, सर्दी के चक्कर में मेरा रूटीन सारा खराब हो गया है। और आज तो वैसे भी संडे है तो कुछ काम टाइम पे नहीं होता मेरा। तो अभी मैंने इसमें घी नहीं भरा है क्योंकि ये मुझे साफ करनी है, तो इसलिए मैंने की साफ करके फिर और भर दूंगी। और फ्रेंड्स, पूजा हो गई है तो चलिए अब हम चलते हैं किचन में, खाना बनाएंगे क्योंकि अभी खाना नहीं बना है कुछ भी। आज तो नाश्ता भी नहीं बनाया है, तो पहले हम कुछ खाने के लिए बच्चों के लिए बना देती हूँ और इसके बाद देखती हूँ। और भी सारा, बहुत सारा काम पड़ा है आज तो मेरा। अभी कपड़े भी धो दिए हैं तो उनको धूप डाल ले जाना है, तो वो तो मेरी बच्चियाँ कर देंगी। अभी मुझे बस खाना बनाना है बच्चों के लिए। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं किचन में, खाना बनाएंगे। यहाँ पर रख दिए चावल उबलने के लिए। और आज हम बना रहे हैं चावल आलू टमाटर की सब्जी। आलू भी डाल देते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने काट के रख लिए थे आलू। और इसके बाद यहाँ पर छौंक देती हूँ आलू टमाटर की सब्जी। और टमाटर अभी लिए थे इसीलिए दलिया में नहीं रखे हैं, तो बस यहाँ पर टमाटर को भी दूंगी मैं फ्रेंड्स।
बस टमाटर काट दूं और यहाँ पर छौंक देती हूँ मैं आलू की सब्जी, टमाटर आलू की। और जब तक सब्जी बनेगी तो यहाँ पर ले जाएंगे चावल, तो चावल को भी छौंकना है मुझे। जीरे राई में मैं सब्जी बना रही हूँ आज, तो जीरे राई हो चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर डाल दूंगी धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, इसके बाद डाल दूंगी आलू। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, टमाटर और आलू पक जाए तो फिर डाल दूंगी मैं पानी। तो अब हम इसको ढक देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आलू टमाटर हो चुके हैं, तो इसमें डाल दूंगी हरा धनिया और डाल दूंगी इसके बाद पानी, क्योंकि मुझे रसीली सब्जी बनाना है। और इसको उबलने दूंगी, फिर गैस बंद कर दूंगी। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चावल को भी छौंक दिया है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बच्चे लोग भूखे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा गर्मा गर्म सभी लोग चावल खा लेंगे। और चावल भी छौंक छुक चुके हैं, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया और बस बच्चों को दे दूँगी। ये देखिए चावल भी बन चुके हैं, अब उन लोगों को दे देती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैंने कहा मैं रोटी और सेक देती हूँ, क्योंकि तिवारी जी भी आ रहे होंगे, उनका भी टाइम हो गया है। और वैसे भी आज पता है आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, और यहाँ पर मैं रोटी ही सेक रही थी कि पास में जो दीदी रहती हैं वो आ गई थी, तो मैंने कहा अब उनसे कमरे में बैठ कर बात करने का टाइम नहीं था, तो उनको मैंने किचन में ही बुला लिया था। तो बस वो किचन में बैठी थी और मैं और वो दोनों बात कर रही हूँ। और आप खुद देखना पूरी वीडियो में, मेरे को याद भी नहीं रहा कि यहाँ पर वीडियो बन रही है, तो मैं उनसे बात करती रही। और जब पता चला कि वीडियो बन रही है, तो मेरी पूरी रोटी सिक चुकी थी, तो मैंने कहा चलो इसी तरीके का आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज़ इग्नोर करिए और मेरी वीडियो को फुल सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैं सेक लेती हूँ रोटी, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए।
फ्रेंड्स रोटी सिक गई थी तो मैंने कहा चलो अब धूप में बैठ जाते हैं, क्योंकि बर्तन साफ़ किए तो ठंडे पानी था तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी। तो मैंने कहा थोड़ा आधे घंटा धूप में बैठ जाएंगे, इसके बाद वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, 3:30 बज चुके हैं, तो मैंने कहा शाम का टाइम हो जाएगा तो फिर शाम के काम में भी लगना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठी रही वो और मैं, और इसके बाद 4:30 बज चुके थे तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो कपड़े ले आती हूँ उठाकर, क्योंकि फिर धूप चली जाएगी तो ठंडे हो जाते हैं सारे कपड़े और फिर रात में बहुत ज़्यादा ओस गिरती है, तो इसीलिए मैं पूरी ये कपड़े ले आई हूँ और इनको मैंने कहा गीली करके रख देती हूँ। जो कपड़े गीले हैं उनको मैं गली में रस्सी पर डाल दूँगी और जो सूख गए हैं तो उनको मैं गीली कर अलमारी में रख दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूरे जितने भी कपड़े हैं सारे गीली। आप लोग वीडियो में बने रहिए जब तक हो जाते हैं मेरा काम भी और कपड़े भी गीली। और फ्रेंड्स ये तो मैंने कल धोई थी, कल भी सूखी नहीं थी शाम को, तो फिर आज ये सूख गई है क्योंकि बहुत ज्यादा ये मोटी है और धूप इतनी लग नहीं रही थी इसलिए। चलिए फ्रेंड्स मेरे कपड़ा भी पूरे घड़ी हो गए हैं और ये है मेरी स्वेटर, तो इसको मैं पहन लेती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी है और शाम होने वाली है इसीलिए। कपड़े भी मैंने घड़ी कर लिए हैं, अब इसको मैं अलमारी में रख देती हूँ। और फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पर करूंगी एंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, सभी को राधे राधे।